ये है माइक्रोमैक्स कैनवास P480 ड्यूल सिम टैबलेट और मैं हूँ प्रवाल शर्मा जी टेक्निकल से, जो कि पहला होगा जो इस कैनवास टैब को रिव्यू कर रहा है यूट्यूब पे। अभी तक यानी कि 9 जून तक किसी ने भी इसको अनबॉक्स किया है और ना ही किसी ने इसे रिव्यू किया है। तो आइए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, रियल अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्स का डिज़ाइन देखिए, सबसे पहले तो इस तरफ से छोटा है और इस तरफ से ये बड़ा होता जाता है, तो एक अलग ही तरह का डिज़ाइन बनाया है इन्होंने। तो चलिए आपके लिए हम रियल अनबॉक्सिंग करते हैं, ना कि हम पहले डब्बे को खोलते हैं और फिर बाद में बंद करके आपको री अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। तो ये है हमारी रियल अनबॉक्सिंग, देख सकते हैं आप, मैंने प्लास्टिक कवर निकाला है। आइए बात करते हैं बॉक्स के ऊपर के कंटेंट की। मैं ज़रा ये सील ब्रोक कर देता हूँ, ये देखिए। उसके बाद हम बॉक्स का ओवरव्यू लेते हैं कि बॉक्स में, चलिए बॉक्स के ऊपर की फीचर्स लिखे गए हैं। 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर, 1 GB रैम, 8 GB रोम और 2 MP फ्रंट कैमरा और 5 MP ऑटो फोकस रियर कैमरा। कैनवास टैब सीरीज़ का ये एक और टैबलेट है, वर्जन है P80। साइड में लिखा है P80 कैनवास टैब और इस साइड में भी कुछ फीचर्स दिए गए हैं। इनसाइड द बॉक्स क्या कुछ मिलेगा आपको? टैबलेट मिलेगा, एक स्क्रीन गार्ड मिलेगा, यूज़र मैनुअल, ईयरफोन जो कि हेडफोन की तरह दिखा रखे हैं, चार्जर, USB केबल और एक OTG केबल। बहुत ही अच्छा। चलिए बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। प्रोसेसर दिया गया है 1.3 GHz क्वाड कोर, स्क्रीन जो है वो IPS दी गई है, 7 इंच की स्क्रीन है, रोम है इसमें 8 GB, रैम है 1 GB, कैमरा है, मेन कैमरा है 5 MP और जो सेल्फी कैमरा है वो है 2 MP। और जो एंड्रॉयड दिया गया है वो किटकैट 4.4 दिया गया है और ये भी लिखा गया है कि ये लॉलीपॉप मिलेगा, यानी कि इसको लॉलीपॉप का अपडेट भी मिलेगा और हो सकता है मिल गया हो अभी तक। तो हम इसे अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे। सेंसर्स दिए गए हैं, ग्रेविटी, लाइट, प्रॉक्सिमिटी। बैटरी दी गई 3000 mAh की और ये जो टैबलेट है ये 3G को सपोर्ट करता है, GSM और 3G। और जो इसका कैमरा है वो HD वीडियो यानी कि 720p की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। और ये जो बनाया गया है ये इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के लिए बनाया गया है, वहाँ पर भी ये सेल किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई हैं कंपनी के बारे में। चलिए तो अब हम इसे ओपन करते हैं। चलिए फोकस हो गया। और एक और बात मैं बता दूं, ये वीडियो हम बना रहे हैं यूफोरिया से फुल HD में। तो ये तो है मेन कंटेंट टैबलेट। वज़न काफ़ी है इसका, इसमें बताया नहीं गया है कि कितना वज़न है इसका। मैं इसे चेक करके आपको ज़रूर बताऊंगा रिव्यू में कि इसका वज़न कितना है। तो ये तो है टैबलेट, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, इसकी बात हम करेंगे बाद में। आइए देखते हैं बॉक्स में और क्या कंटेंट है। ओके, ये है वारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड दिया गया है और एक ये भी कुछ है फ़ोन बुक के बारे में और ये micromaxonline.com का कुछ और ये सारी इन्फॉर्मेशन, यूज़र गाइड। चलिए इसे हम रख देते हैं एक बार साइड में। और ये दिया गया है स्क्रीन गार्ड इसके लिए। और आइए इस बॉक्स में देखते हैं हम क्या है। इस बॉक्स में है हमारे पास, देखते हैं पहले क्या आता है। जी हाँ, पहले आता है पावर कार्ड, ये है पावर ब्रिक और ये है OTG केबल और ये है डेटा केबल। जी हाँ, और ये है हमारे पास ईयरफोन। ईयरफोन का जहाँ तक सवाल है, देख लेते हैं निकाल के, क्योंकि ईयरफोन ही है जो सबसे अलग चीज़ होती है हर फ़ोन में, बाकी चार्जर वो तो सब सेम होते हैं। ये इन ईयर ईयरफोन है, देखने से इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं लग रही है। ये इसका ईयरफोन है जिसमें एक बटन भी दिया गया है, बटन दबाने से बहुत ही चीप क्वालिटी का लग रहा है। और ये 3.5 mm जैक है। चलिए ये तो है हमारे पास बॉक्स में कंटेंट, तो आइए रुख करते हैं टैबलेट का। टैबलेट के ऊपर भी लिखा गया है
7 इंच की आईपीएस डिस्प्ले स्क्रीन, 5 मेगापिक्सल कैमरा, एंड्रॉयड किटकैट लॉलीपॉप मिलेगा, क्वाड कोर, 3000 एमएएच बैटरी और 1 GB रैम। तो ओवरव्यू ले लेते हैं, इसको मैं निकाल देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएँ। ह्यूज ह्यूज देखने में काफ़ी बड़ा है। कैमरा की लेंथ मैंने एडजस्ट कर दी है ताकि हम अच्छे से इसको देख पाएँ। ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले तो लाइट सेंसर्स दिए गए हैं इसमें, इन कॉल स्पीकर, ये है फ्रंट कैमरा जो कि 2 मेगा, तो हम बात कर रहे थे 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। ये है फुल 7 इंच की HD स्क्रीन, IPS डिस्प्ले। जो किनारे हैं वो राउंड शेप के हैं, आप देख सकते हैं किनारे जो हैं वो बिल्कुल राउंड दिए गए हैं। बात करते हैं ऊपर, यहाँ पे है 3.5 mm जैक, ये है माइक्रो OTG स्लॉट, यहाँ पे OTG केबल और चार्जिंग केबल हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में कुछ भी नहीं दिया गया है, लेफ़्ट साइड बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैंक है। नीचे की तरफ दिया गया है प्राइमरी माइक्रोफोन कॉल करने के लिए और वीडियो कॉल माइक के लिए। लेफ़्ट साइड में दिया गया है पावर बटन, देख सकते हैं पावर बटन और वॉल्यूम रोकर। दबाने में ठीक ठाक से हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है। पीछे की तरफ एक स्लॉट दिया गया है जो कि मेरे ख्याल से ओपन हो सकता है, जी हाँ। और यहाँ से हम एक फुल सिम, एक माइक्रो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। जो लॉक है उसके साथ में कुछ सपोर्ट दिया गया है ताकि ये अलग ना हो सके, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। आइए हम एक फुल सिम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने का तरीका बताया गया है कुछ इस तरह से, ये लीजिए इतना ही जाएगा। और हम एक माइक्रो SD कार्ड भी इसमें इंसर्ट कर देते हैं। माइक्रो SD कार्ड तो नहीं, अभी एक माइक्रो सिम इसमें एडजस्ट कर ऐड कर देते हैं। ये लीजिए माइक्रो सिम, माइक्रो सिम 3G कनेक्टिविटी के लिए हमने इंसर्ट कर दिया है। चलिए छोड़िए, चलिए। और नीचे दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया है आउट स्पीकर। ऐसा दिख रहा है कि ड्यूल स्पीकर है लेकिन हम चेक करेंगे कि ड्यूल है या नहीं। जो बैक कवर है वो ओपन नहीं हो सकता है। और यहाँ पे दिया गया है 5 मेगापिक्सल कैमरा विद फ्लैश, ठीक है। चलिए आइए हम इसे पावर ऑन करते हैं। एंड्रॉयड, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। कैनवस का एनिमेशन, कैनवस टैब, हमारा टैबलेट जो है बूट हो गया है। वेलकम इंग्लिश इंडिया, हम इसमें लैंग्वेज जो है इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे। और एक बार क्विकली देख लेते हैं कि कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट कर, जी हाँ हिंदी, हिंदी, बांग्ला और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो ये सपोर्ट करता है, ठीक है। इंग्लिश, नेक्स्ट, वाईफाई, वाईफाई हम सेट कर देते हैं, वाईफाई हमने कनेक्ट कर दिया है। गूगल अकाउंट हम बाद में सेलेक्ट करेंगे, मेक इट गूगल बाद में। लोकेशन ठीक है, फर्स्ट नेम शर्मा जी। काफ़ी हैप्टिक फीडबैक मिल रहा है जैसे हम टाइप करते हैं। हैप्टिक फीडबैक का मतलब है कि जब हम टाइप करते हैं तो हल्का सा वाइब्रेट होता है, तो वो हो रहा है यहाँ पे। ये जो है ये फर्स्ट बूट पे जो भी सेटअप होता है, ये इनिशियल सेटअप है जो हम फर्स्ट बूट पे करते हैं। हमने एक इसमें सिम लगाई है तो उसका एक नोटिफिकेशन आया है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर सकते हैं। दो लॉन्चर क्यों दिखा रहा है पता नहीं, देख के बताएंगे आपको।
तो ये है हमारा माइक्रोमैक्स कैनवस टैब P480 जो कि फर्स्ट बूट हो गया है और अभी भी इसमें मुझे लगता है कुछ बूट हो रहा है। हाँ, अब जो है वो बिल्कुल स्क्रीन आ गई है, जो फर्स्ट स्क्रीन है अगर मैं कहूँ वही बात कि पहली बार में तो सब कुछ सही लगता है, जैसे जैसे हम कुछ ऐप्स इंस्टॉल करते हैं या कुछ और डिटेल यूज़ करना शुरू करते हैं ऐप्स थोड़ा आती जाती रहती हैं। ये भी देखिए लोड हो रहा है। चलिए हम जाते हैं सेटिंग में। बहुत सारी ऐप मैं देख सकता हूँ डिफ़ॉल्ट दी गई हैं, किंडल, एंग्री बर्ड्स, आस्क मी, डॉक्टर सेफ्टी, गूगल प्लस, हैंगआउट्स, हेलो टीवी, मैड और भी काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। स्विफ्ट की इसमें डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करके दिया गया है, अगर आप स्विफ्ट की यूज़ करते हैं तो आपके लिए चीज़ है। क्विकर, फोटोज़, पेटीएम, ओपेरा मिनी, काफ़ी चीज़ें हैं। अब हम रुक करते हैं सेटिंग्स का। तो आप देख सकते हैं कि ये ड्यूल सिम टैबलेट है। अब ये देख लेते हैं कि इसमें 3G सपोर्ट कैसा है। कहूँगा कुछ स्लो है टैबलेट, इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है जितना रिस्पॉन्सिव हम कोई मोबाइल फ़ोन देखते हैं उस तरह से। ये देखिए क्लिक करने के काफ़ी देर के बाद में रिस्पॉन्स आता है इससे। देखिए चलिए बात कर लेते हैं पहले स्टोरेज की। तो 8 GB में से हमें 5.03 GB का टोटल स्पेस दिया गया है, जिसमें से 4.37 GB की मेमोरी अवेलेबल मिलती है। 0.94 GB की ऐप्स पहले से इसमें डाल रखी हैं, जो कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि आप चाहें तो उसे डिसेबल कर सकते हैं और चाहें तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप उसे इतना यूज़ नहीं करते हैं तो। देखिए 4.4 GB की मेमोरी अवेलेबल है यहाँ पर, और जो 1 GB रैम है उसमें से हम देख लेते हैं हमें कितनी है इसमें मिलती है। जी हाँ, 1 GB रैम में से 635 MB फ्री मिलती है। मैं कहूँगा ठीक ठाक है अभी के लिए, लेकिन जैसे ही हम इसे ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तब पता लगता है कि कितनी रैम की परफॉर्मेंस कैसी है। बैटरी 90% चार्ज करके दी गई है फर्स्ट बूट में, जो कि अच्छी बात है। 5 मिनट हो गए हैं हमें इसे टैबलेट को चलाए चलाते हुए। चलिए लोकेशन GPS मोड है इसमें, हाई एक्यूरेसी कर देते हैं, देखेंगे हम GPS का कैसा इसमें रहता है। लोकेशन, सिक्योरिटी, लैंग्वेज, बैकअप, रीसेट, डेटा, अबाउट टैबलेट, टैबलेट के बारे में जान लेते हैं। टैबलेट का जो वर्जन है वो है P480, एंड्रॉयड जो दिया गया है 4.4.2 किटकैट है, ऐसा कहा गया है कि अपग्रेडेबल है, वो हम चेक करेंगे अभी सॉफ्टवेयर अपडेट में कि ये अवेलेबल है या नहीं। स्टेटस इन्फॉर्मेशन, बैटरी, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, सिम इन्फॉर्मेशन, वाईफाई इन्फॉर्मेशन, लगभग सॉफ्टवेयर अपडेट में अभी ये चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, इसमें लिखा है नो अपडेट्स अवेलेबल, इसका मतलब अभी लॉलीपॉप का इसमें अपडेट नहीं दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं मैप्स की, कि मैप्स में GPS का किस तरह से टैग है। जी हाँ, मैं कहूँगा GPS इसमें काफ़ी अच्छा है। जी हाँ बिल्कुल, GPS का काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने टैग किया है, बहुत ही अच्छा है। आइए बात करते हैं इसके कैमरा इंटरफेस की। कैमरा UI जो है बिल्कुल सिंपल किटकैट में जैसा होता है, आपने देखा हो तो, उसी तरह का कैमरा इंटरफेस दिया गया है। आइए इससे हम एक कुछ पिक्चर ले लेते हैं, नोबिया की ले लेते हैं। ये जो पिक्चर लेंगे हम ये विदाउट फ्लैश की लेंगे,
लेकिन ऑटो फ्लैश है, इसे हम विदाउट फ्लैश कर देते हैं। टैप टू फोकस है, टैप करेंगे और उसके बाद हम पिक्चर ले सकते हैं। ये पिक्चर हम लेंगे विद फ्लैश। आइए पिक्चर्स देख लेते हैं किस तरह की पिक्चर आई हैं। ये लास्ट पिक्चर ली थी हमने, थोड़ी सी ब्लर है, एक पिक्चर और लेते हैं। पिक्चर क्वालिटी मैं कहूँगा 5 MP कैमरा के हिसाब से ठीक ठाक है, इंडोर लाइट्स में, आर्टिफिशियल लाइट्स में। ये तो जो थी हमने ली थी बिना फ्लैश के, और ये ली थी हमने जो ऑटो फ्लैश के। पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक है। मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ यहाँ पे, उसकी पिक्चर लेके हम देखते हैं कि किस तरह की पिक्चर क्वालिटी है इसमें। आइए चेक करते हैं इसे। पिक्चर क्वालिटी में ठीक ठाक है। डिटेल्स में हम देखते हैं कि पिक्चर की क्या डिटेल्स हैं। पिक्चर की जो लेंथ है वो है 2560 और हाइट है 1920। पिक्चर की साइज़ है 822 KB है, काफ़ी कम है इंडोर 5 MP कैमरा के हिसाब से। और इसका जो फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा भी चेक कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा की पिक्चर मैं लेके अभी आपको दिखाता हूँ। हमने कुछ तस्वीर ली हैं इसके फ्रंट कैमरा से जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये हैं आपके शर्मा जी यानी कि प्रवाल, बाहर से लिए मैंने आउटडोर लाइट से, क्योंकि इसमें कोई फोकस नहीं है तो इंडोर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी लो है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए काफ़ी लो क्वालिटी है। अगर हम इस तरह से इसे देखें देखें तो आप कैमरा में नहीं देख पाएंगे शायद। तो कैमरा क्वालिटी एवरेज है, एक 6000 रुपये के टैबलेट के हिसाब से ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। आइए हम इसमें ब्राउजिंग करके देखते हैं या एक वीडियो ही देख लेते हैं, यूट्यूब का एक वीडियो देख लेते हैं हम। तो हमने शर्मा जी टेक्निकल का पेज खोला है जहाँ पे हम एक वीडियो चेक करेंगे कि किस तरह का इसमें वीडियो है और किस तरह की साउंड क्वालिटी है। आइए आवाज़ काफ़ी धीमी है, हो सकता है कि मैं धीरे बोलता हूँ इसलिए इसमें धीमी है, या जिसकी क्वालिटी है वो 360 है इसलिए धीरे आ रही है। तो आइए कोई और वीडियो चेक करते हैं जिसमें क्वालिटी अच्छी हो। इसे चेक करते हैं इन फोकस M2 को। आइए एक छोटा सा गाना चला लेते हैं हम। एक गाना हम चला लेते हैं छोटा सा, बजरंगी भाईजान का 720p में। मैं इसमें पॉज कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है YouTube के कॉपीराइट के कारण आप गाना ना सुन पाएं मेरे रिव्यू में, इसलिए मैं इसको ऐसा ही सुनाया था। तो ऑडियो क्वालिटी मैं कहूँगा ठीक ठाक है, मूवीज़ देखने के लिए या गाने सुनने के लिए, वीडियो गाने सुनने के लिए ठीक ठाक क्वालिटी है और काफ़ी अच्छी भी हो सकती है। और जो पिक्चर क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है। ये जो वीडियो है हम 720p में स्ट्रीम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जो टैबलेट है 720p ही सपोर्ट करता है मैक्सिमम जैसा लगता है, क्योंकि जो वीडियो है वो और भी अच्छी क्वालिटी का हो सकता है।
तो इसकी साउंड बंद करके मैं आपको वीडियो क्वालिटी दिखाता हूँ। वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, 720 HD नॉर्मल HD रेडी की, यानी कि 720p, जिसे फुल HD सॉरी जिसे HD रेडी या HD बोलते हैं, 720p को HD बोलते हैं, तो काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। हाँ, और जो गाने की आवाज़ है मैं कहूँगा ठीक ठाक है, ज़्यादा इसमें लाउडनेस नहीं है, एडिक्वेट है, एडिक्वेट है, बफर हो रहा है ये। आइए एक और गाना हम जरा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। आवाज़ बंद कर रहा हूँ क्योंकि YouTube के कॉपीराइट के कारण। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है मैं कहूँगा, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। मूवीज़ देखने, एक टैबलेट का यूज़ क्या होता है, एक टैबलेट का यूज़ यही होता है आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, या थोड़ी बहुत गेम खेल रहे हैं। गेमिंग रिव्यू हम करेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल इस क्विक अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन में आप दिखा दें कि वीडियो क्वालिटी किस तरह की है। और जो साउंड का आउटपुट है वो मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा है, एक टैबलेट के हिसाब से ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है पर ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है। आइए अब हम देखते हैं कुछ और, अब थोड़ा ब्राउजिंग इसमें करके देखते हैं, जैसे ये माइक्रोमैक्स का प्री डिफाइंड सॉफ्ट है, हम टाइम्स ऑफ इंडिया देखते हैं चला करके। फ़िलहाल ये वाईफाई से कनेक्टेड है तो ब्राउजिंग काफ़ी की स्पीड काफ़ी अच्छी है, ब्राउजिंग में कोई लैग नहीं दिख रहा है मुझे, बिल्कुल लैग फ्री है। ये देखिए ये जो है ये मोबाइल वर्जन है, तो इसे एक बार डेस्कटॉप वर्जन में भी देख लेते हैं हम कि डेस्कटॉप वर्जन में किस तरह से चलता है। क्लिक हियर टू गो टू टाइम्स ऑफ इंडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का मेन पेज है, पेज लोड हो रहा है, काफ़ी हैवी पेज दिखाई देता है, काफ़ी हैवी पेज है। हाँ, पेज पूरा लोड हो गया है फिलहाल जो है, ये मेरा 2 Mbps का कनेक्शन है, ज़्यादा तेज नहीं है, तो फिर भी लोडिंग काफ़ी जल्दी हो गई है, आप देख सकते हैं 720p है, इसलिए काफ़ी अच्छा इसका जो पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि एक आर्टिकल ले लेते हैं हम, एप्पल iOS 9, और पेज लोड हो गया है, इसे हम ज़रा चेक कर लेते हैं। ओके, तो रीडिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। आइए एक हिंदी वेबसाइट और देख लेते हैं, aajtak.com, aajtak.in, ओके। तो ये है हिंदी की वेबसाइट, लोडिंग काफ़ी स्मूथ है, 2 GB के कनेक्शन में, दो सॉरी 2 MB के कनेक्शन पे, 2 MB के वाईफाई कनेक्शन पे। ब्राउजिंग के लिए मैं कहूँगा ठीक ठाक है, ज़्यादा लैग नहीं है ब्राउजिंग में, हम काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं और इसे काफ़ी अच्छे से जूम करके पढ़ भी सकते हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। कहीं कहीं पर मुझे लैग नज़र आ रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि पेज पूरा लोड नहीं हुआ इसलिए, तो एक बार पेज लोड हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पेज लोड होने में कुछ प्रॉब्लम थी, तो चलो हम कुछ और देख लेते हैं, हिंदी विकिपीडिया देख लेते हैं कि किस तरह से वो चलता है। जी हाँ, विकिपीडिया का पेज काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, कहूँगा इसमें कोई लैग नहीं नज़र आ रहा है मुझे, तो काफ़ी अच्छा है, जूम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है टैबलेट में, तो ब्राउजिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। वीडियो में आने आपको दिखाई दिया पहले, वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, कैमरा पिक्चर्स भी हमने कुछ लिए हैं इससे जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और भी कुछ ऐप्स हैं इसमें जो आप चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, हमने देखा इसमें 1 GB RAM है जो ठीक ठाक से इसे मैनेज कर लेती है, इतनी हाई परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये था क्विक अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस व्यू, यूट्यूब पे ये मेरा पहला वीडियो होगा अब तक, क्योंकि अभी तक किसी ने भी अनबॉक्सिंग नहीं किया और ना ही किसी ने रिव्यू किया है,
ये हमने फर्स्ट इम्प्रेशंस दिया है कैनवास टैब माइक्रोमैक्स कैनवास टैब P480 को, और अगर आप चाहें तो अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं ताकि मैं उसे अपने डिटेल रिव्यू वीडियो में इंक्लूड कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव, शिकायतें, कमेंट्स, कुछ इम्प्रूवमेंट हो इस वीडियो में ज़रूर दीजिए। एक बार फिर मिलते हैं शर्मा जी टेक्निकल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।